नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, अभी ये चल रहा है सावन मास। सावन मास मतलब भगवान शिव जी का महीना, भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का महीना। और इस बार बहुत अच्छी बात है कि 8 तो सोमवार पड़ रहे हैं। आप जो भी सिद्धि हासिल करना चाहें आप कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे मंत्र अपने चैनल पर इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, जिन मंत्रों को सिद्ध करके आप आजीवन करोड़पति बन सकते हैं। गरीबी कभी आपको छुएगी नहीं। कितने मैंने ऐसे भी मंत्र बताए हैं जिससे कोई रोग आपको टच ना कर पाए। ये जो उपाय बताने के लिए जा रही हूँ, इसको आप बड़े ध्यान से सुनना और इस उपाय को भी आप करके देखना। हाँ, उपाय बताऊं उसके पहले आप सभी को जानकारी दे दूं कि हमारे यहाँ से अभी नर्मदेश्वर शिवलिंग का वितरण किया जा रहा है। जिनके भी घर नर्मदेश्वर शिवलिंग नहीं है, वे लोग जरूर ऑर्डर करें और सावन में ही नर्मदेश्वर शिवलिंग के घर में स्थापना कर दें। यही वो शिवलिंग है जिसकी स्थापना घर में होती है। ठीक है, सावन महीने में दोस्तों पूजा होती है बेलपत्र की। बेलपत्र शिव जी का ही स्वरूप, शिव जी को बहुत प्रिय है, नो डाउट। लेकिन बेलपत्र के साथ साथ एक और पेड़ है। मैंने बहुत पहले भी इसकी एक वीडियो बना करके अपलोड की थी कि आप किसी भी सोमवार को इस पेड़ के पास जाएं और अपनी इच्छा बोलें। आपका काम ना हो इस बात में दम ही नहीं है। इस पेड़ से चंद्र जुड़े हुए हैं, मन जुड़ा हुआ है। चंद्र भगवान शिव के जटाओं में विराजमान है। हर चीज की शुरुआत दोस्तों मन से ही होती है। मन ही वो चीज है जो आदमी को राजा बना देता है। आपके मन में अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे विचार आएंगे, आप अच्छे अच्छे लोगों को पसंद करेंगे, आप ऐसे लोगों की संगत करेंगे कि एक दिन आप राजा जैसी जिंदगी जीते हैं। और मन पर अगर गलत खराब ग्रहों की असर है तो आप कुसंगत में पड़ जाएंगे, गलत लोगों को पसंद करने लग जाएंगे। आपकी जिंदगी में जो भी चीज आएगी सब गलत, जो एक दिन आपकी इज्जत बिल्कुल खत्म करके रख देगी। आप जीते जी लोगों के लिए मुर्दा के समान हो जाएंगे। आपके पास न इज्जत रह जाएगी, न आबरू, न कुछ, क्योंकि आपने कर्म ऐसे किए होंगे, है ना? मन ही वो चीज है दोस्तों जो इंसान को राजा बना सकता है। मन ही वो चीज है जो आदमी को रंक बना देता है। जितना अच्छा और जितना ऊंचा और जितने अच्छे लोगों को आप पसंद करोगे उतना ही आप जीवन में आगे बढ़ोगे। जितनी ज्यादा गंदगी को आप पसंद करोगे उतना ही ज्यादा आप नीचे गिरोगे और एक चोर की तरह आप जीवन जियोगे, है ना? तो ये जो पौधा है ये मन से जुड़ा है, ये चंद्र से जुड़ा है, ये शिव के आशीर्वाद से जुड़ा है। इसकी पूजा करने मात्र से व्यक्ति की मानसिक स्थिति उच्च स्थान पर पहुंचती है, उसकी कंडीशन अच्छी बनती है, आपकी पसंद अच्छी होने लग जाएगी, आपकी सोच अच्छी होने लग जाएगी। जीते जी आप एक सम्माननीय जीवन जीने के लायक बनेंगे। और ये पौधा है सेमल का। सेमल का पौधा दोस्तों आप कहीं पर भी नर्सरी में जाएंगे आपको मिल जाएगा। आप इसको अभी सावन महीने में घर में लेकर के आए और इसको उत्तर दिशा में लगा, या आपके घर के आसपास कहीं पर भी सेमल का पौधा लगा हुआ हो तो आप मीठा दूध लेकर के जाएं, सेमल के पौधे पर चढ़ा दें, एक लोटा गंगा जल मिश्रित जल चढ़ा दें, ओम सोम सोमाय नमः और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आपको ये विधि करनी है और दो अगरबत्ती लगा देनी है। उसके बाद में आपको सेमल के पेड़ की प्रदक्षिणा करनी है
और सेमल के पेड़ को गले लगा करके आपको 3 बार गले लगाना है और ओम नमः शिवाय मंत्र बोलना है और उसके बाद में हाथ जोड़ करके आपको अपनी इच्छा बोलनी है। सेमल के पेड़ के पास बोली गई इच्छा बहुत जल्दी पूरी होती है, क्योंकि मैं फिर से बता दूं, ये भगवान शिव से जुड़ा है, ये आपके मन से जुड़ा है। वैसे मन अगर आपका बहुत ज्यादा व्यग्र है, अशांत है, दुखी है, गलत निर्णय ले रहा है, गलत लोगों को पसंद कर रहा है, आप मोती जरूर धारण करें। और अब ये सावन महीना है, सावन महीने में आप मोती पहने। हमारे यहाँ से अभी मंत्रित मोती मिल रहे हैं, आप जरूर ऑर्डर करें और उससे इस लास्ट वाली उंगली में धारण कर लें। चंद्र से जुड़ी हुई कोई भी समस्या होगी, मन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, आपको तुरंत समाधान मिलेगा। तो जरूर करें इस सेमल वाले उपाय को और आप देखेंगे आपको जबरदस्त रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। उपायों को करते रहें और हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्ण।